तो दोस्तों अकेडमी ने अभी बिहार और उस बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी को अभी लॉन्च कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पे। अन अकेडमी आपको घर बैठे तैयारी कराता है, तो उसी तरह बिहार उसके संबंधित जो भी एग्जाम है वो आपको, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार दरोगा मेन्स हो, BRESI हो, BRCGL हो, सभी का एग्जाम की तैयारी करा रहा है अन अकेडमी। तो आप लोग जाइए अन अकेडमी और वहाँ ज्वाइन कीजिए और रेफरल कोड यूज़ कीजिए अभय प्रताप 01, आपको 1440 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, 90% अभी डिस्काउंट मिल रहा है। मैं वहाँ आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ और आपको अदर भी एडुकेटर हैं वो भी अन्य सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों आप अगर ऑनलाइन बैठकर घर पर तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी आप अन अकेडमी को ज्वाइन कर लें, काफ़ी अभी बेहतरीन मौका है, फिर बाद में इतना डिस्काउंट आप अन अकेडमी से नहीं ले सकते हैं। तो अभी जाएं और आप ज़रूर से ज्वाइन करें। अभी दरोगा मेंस की आपको प्रिपरेशन चल रही है और BPSC का कोर्स लॉन्च हुआ है, तो ज़रूर से जाएं अन अकेडमी और वहाँ अभय प्रताप सर्च करें और वहाँ फॉलो करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों ये आपको आज का भी जो है 30वां ये आपको प्रैक्टिस सेट है और बिहार दरोगा मेंस, BSSC मेंस और आपको BPSC के लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको जल्दी जल्दी से मैं आपको प्रश्न उत्तर पढ़ लूँगा, 25 दो तीन मिनट में आपको 25 क्वेश्चन के रिवाइज हो जाएंगे। और चलिए शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? आपको पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ जो पत्र था आपको मॉडर्न इंडिया में एनी बेसेंट से जुड़ा है। आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? आपको राजा राम मोहन राय को, ध्यान रखिएगा, यहाँ गांधी को नहीं कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, आधुनिक भारत के पिता, राष्ट्रवाद का पैगंबर, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली केमिकल क्या है? ग्लाइसरिल ट्राइनिट्राइट है। आपको निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है? यानी आपको सोन नदी पूछा, गंगा के बाएं से गंगा है, आपको सोन नदी यहाँ से मिलती है, दाएं से मिलती है, बाकी ये सभी यहाँ बाएं से मिलती है। स्लेट किस प्रकार का चट्टान है? दोस्तों स्लेट रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक जिसको कहते हैं वो चट्टान है। अशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो आपको तीसरी हुई थी, पहला आपको अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा आपको कनिष्क, तो तीसरी हुई थी। ये दोस्तों आपको JPSC का क्वेश्चन है, मिथकों और कहावत के रूप में प्रशासन के सिद्धांत किसने अस्वीकार किया था? आपको हार्वर्ड साइमन ने इसको अस्वीकार किया था। ये भी दोस्तों आपको JPSC का ही क्वेश्चन है। राज्य हर जगह है या अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, वक्तव्य किस धारणा का है? कल्याणकारी का है, वेलफेयर स्टेट का कहते हैं आपको। द स्टेट इज एवरीवेयर, इट लिव्स हार्डली ए गैप। सर्वप्रथम त्रिस्तरीय राज्य पंचायत किस राज्य ने अपनाया था? तो राजस्थान के आपको नागौर ने अपनाया था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन दोस्तों रिपीटेड होते हैं। सह्याद्री किसका भाग है? ये पश्चिमी का भाग है, आपको सह्याद्री कहा जाता है यहाँ पर। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन था। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया के पहले प्राइवेट फ्लाइट का नाम क्या है? मून एक्सप्रेस। मैगलन स्ट्रेट का संबंध किससे है? मैगलन स्ट्रेट का संबंध दोस्तों आपको दक्षिण अफ्रीका से है, अमेरिका से है। मैं आपको इसका मैप में दिखा देता हूँ, ये देखिए आपको ये साउथ अमेरिका का मैप है और ये है आपको मैगलन स्ट्रेट, ठीक है। ये प्रश्न पूछा है आपको UPPCS में। ब्राज़ील में माटोग्रासो प्रांत का पठारी क्षेत्र किसके भंडार के लिए है? तो दोस्तों ये कोयला के भंडार के लिए है, IAS का क्वेश्चन है ये। इन सब क्वेश्चन आपको दोस्तों रिपीट करता है तो ध्यान रखिएगा। लानोस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का संबंध किस नदी बेसिन से है? तो आपको ओरिनोको नदी बेसिन से है। ये आपको मैप है, यहाँ पर है आपको लानोस, ये आपको माउंटोग्रासो, ये है आपको मैगलना। एशिया का ज्योति किसको कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? आपको बौद्ध को कहा जाता है, बुद्ध को, गौतम बुद्ध को। कुनिक किसका एक उपनाम है? कुनिक आपको अजातशत्रु का एक उपनाम है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला डेंसिटी पूछ रहा है जिला कौन सा है? शिवहर आपको सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र कितनी होती है? आपको 62 वर्ष, 65 की आपको अभी है कि 65 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल आपको 62 वर्ष है। NGT भारत द्वारा कब स्थापित किया गया था? क्वेश्चन ये स्थापित कब किया गया था? तो राइट आंसर आपको 2010 है, 2010 को आपको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है बोरिस जॉनसन उनका नाम है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्व का कहवा पतन के नाम से किसे जाना जाता है? तो सेंटोस को जाना जाता है। और आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, फ्लोरिडा जल संधि किस किस को अलग करती है? तो फ्लोरिडा जल संधि आपको फ्लोरिडा प्रायद्वीप और क्यूबा को अलग करती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग जरूर प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।